दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा आयोजित उनतीसवे ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोक नृत्य समारोह का रविवार को समापन हुआ इस दौरान केंद्र की ओर से हस्तशिल्पकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है पच्चीस हजार का प्रथम पुरस्कार ब्रॉस मेडल क्राफ्ट दिल्ली के दिलीप कुमार चौरसिया एवं हैंडलूम राजस्थान की ज्योति टा को प्रदान किया गया पंद्रह हजार पाँच सौ रूपए का द्वितीय पुरस्कार फर्नीचर के लिए उत्तर प्रदेश के नदीम खान एवं मेटल लैम दिल्ली के मोहम्मद रफीक को प्रदान किया गया दस हजार पाँच सौ रूपए का तृतीय पुरस्कार जयपुरी ज्वेलरी राजस्थान के दीपांशु सोनी एवं फ्लावर्स क्राफ्ट हरियाणा के अशोक कुमार को प्रदान किया गया यह पुरस्कार तय मानको पर दिए गए जैसे क्राफ्ट स्टॉल की सजावट स्वच्छता ग्राहकों के साथ व्यवहार आदि इन मानकों पर जो शिल्पकार खड़े उतरे हैं उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है इस साल और क्राफ्ट मेले में 160 हस्तशिल्पकार पहुंचे। 13 जनवरी से लगे मेले का प्रतिदिन हजारों नागपुर वासियों ने आनंद उठाया प्रतिदिन केंद्र परिसर के खुले रंगमंच पर विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य प्रस्तुतियाँ एवं परिसर में लगे हस्तशिल्प कला एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल दर्शक एवं रसिकों को लुभाते रहे नमस्कार मी डॉक्टर दीपक खिरवडकर डायरेक्टर साऊथ सेंट्रल झोन कल्चरल सेंटर नागपूर आमचं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हे भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालय त्याच्या अंतर्गत काम करत आहे या केंद्राच्या वतीने गेल्या अठ्ठावीस वर्षापासून ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेळाव्याचं नागपुरात केंद्र परिसरात मोठ्या प्रमाणात भव्य मोठ्या प्रमाणात आयोजन केलं जातं यंदा या महोत्सवाचं एकोणतीसावं वर्ष होतं आणि तेरा जानेवारीपासून आज बावीस जानेवारीपर्यंत दहा दिवसाचा हा ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेळा केंद्राच्या परिसरात अतिशय उत्साहात आयोजित करण्यात आला यामध्ये भारतातील संपूर्ण हँडीक्राफ्ट्स किंवा क्राफ्ट्सपर्सन पर्सन किंवा फूड झोनवाले व्यं विविध प्रकारचे खाण्याचे पदार्थ देशाच्या विविध भागातील त्यांच्या वैशिष्ट्यांसहित असे विविध प्रकारचे स्टॉल एकशे एकोणपन्नास स्टॉल क्राफ्टमोनचे आणि जवळजवळ वीस ते बावीस स्टॉल फूड झोनचे असे लावण्यात आले होते कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोडके के साथ अभिषेक पानसी बी सी एन न्यूज नागपूर